हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद है मेरे सारे भाई बहुत अच्छे होंगे। भाई आज हम वो गिव अवे कोरियर करवाए हैं और भाई उसमें मिस्टेक भी हो गई थी। जो गणेश का मतलब जिसका हमने कमेंट चूज किया था वो क्या हुआ, मैंने बोला था लाइव में कि गणेश भाई तू अपना एड्रेस दे दे। उस जिसको हमने भेजनी थी वो वाला तो एड्रेस अभी आया नहीं था। एक और गणेश ने मेरे पास ना ऐसे ही न्यू चेक मैंने भी नहीं किया, न्यू अकाउंट बनाया गणेश के नाम से इंस्टाग्राम पे और मेरे को एड्रेस दे दिया। मैं वो करवा के आ गया, वो तो बाई चांस तब तक मेरे पास गणेश भाई का मैसेज आ गया रात को कि भाई आप लाइव हो रहे थे तो क्या किया। मैं कहा मैंने तो करवा दिया, तो वो कहते एड्रेस पे किस पे करवाया। मैं कह तेरे वाले पे जो मैं कह तूने दिया है, बट वो कहते भाई मैंने तो दिया ही नहीं। फिर वो दोबारा से बोला आज वो दूसरे वाला, तो फिर मैंने रुकवाना ही पड़ा कि भाई आज करेगा वो, शायद आज वाला नहीं कल वाले में होगा और जल्दी पहुंच जाएगा अपने भाइयों के पास। और नेक्स्ट गिव अवे भी जल्दी करेंगे हम डिसाइड कि क्या चीज करनी है। बस आप लोग अपनी वीडियो शेयर करो दबा के, गिव अवे बंद नहीं करेंगे हम। एक गिव अवे खत्म होगा नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मतलब सारे भाइयों के आपस में इंटरेक्ट। भाई प्यार ही है ये, और मेरे को पता है इससे होना जाना कुछ नहीं है, सब ले सकते हैं यार। मतलब 500, 700, 1000, 2000 की चीज सब ले सकते हैं। जो लोग ट्रैक्टर से प्यार करते हैं उनके लिए बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि दूसरे का प्यार जुड़ा बना रहता है आपस में। ठीक है दोस्तों, और भाई मतलब हमारे थार के टायर बिल्कुल खराब हो गए हैं, देखना वीडियो में, छोटी सी गलती से। और मैंने वीडियो इसलिए डाली है ये कि भाई कोई किसी और भाई को ये नुकसान ना उठाना पड़े। तो भाई साइड आगे पीछे भी और साइड भी चेंज करवा लिया करो प्लीज। और अपने योद्धा के टायर भी भूल रहा था मैं, तो वो भी उठा के लाना है। वो उठाने लगे थे बट मेरे हाथ पे चोट लगी, इस वजह से अभी वहीं रखे हैं, एक दो दिन में उठा के लाएंगे। ठीक है दोस्तों, करो वीडियो एंजॉय, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। ले भाई दोस्तों, ये तो वो वाली लाइट है जो हमने अपने ट्रैक्टर से निकाली थी और उसकी जगह नई लगा दी थी हमने। ये पैकिंग की थी वो लास्ट वीडियो में दिखाई दी थी, अच्छे से पैकिंग करके डाल दी थी। और एक ये न्यू लेके आए थे जो ये, आज अभी जा रहा हूँ मैं एक बार कोरियर करवाने इनको, और भाई जल्दी से उन भाइयों के पास पहुँच जाएगी। तो बस अपना वो लगाएंगे, हमारी साइड से अपना गिव अवे कंप्लीट हो जाएगा। ले भाई चल दिए हम कोरियर करवाने के लिए, बस कोरियर करवा देंगे। अब जो भी टाइम मिलेगा देखो कितना टाइम में पहुंचेगी आपके पास ये। वो मैंने इंस्टाग्राम पे एड्रेस ले लिया है भाई जिनके पास भेजनी है। और नेक्स्ट गिव अवे जल्दी रखेंगे हम, बहुत जल्दी बताना किस चीज का रखे नेक्स्ट गिव अवे। अभी तो हमने चलो कमेंट चूज किए थे हम, उसके बाद कोई गिव अवे ऐसा निकालेंगे, मतलब कुछ भी कोई भी अच्छा सा गिव अवे और निकालेंगे। उसके लिए देखते हैं क्या करना है, कि मतलब लाइक्स पे करेंगे या कमेंट्स पे करेंगे देखेंगे, और या फिर देखेंगे भाई सबसे पुरानी मतलब कौन हमारी वीडियो देख रहा है भाई, फिर या कुछ भी मतलब सोच समझ के एक बार चेक करके नया गिव अवे निकालेंगे। और गिव अवे में क्या होना चाहिए वो आप बताओ, होगा ट्रैक्टर का ही, कुछ और मत बोलना, कुछ भी ऐसे ही क्या पता ही या कुछ भी बोल देते हैं भाई कई भाई, तो ऐसा कुछ बोलना जो हम दे सकते हैं, और मतलब जो ठीक है नॉर्मल चीज कुछ भी ट्रैक्टर की, जैसे मॉडिफिकेशन के लिए जैसे स्टेयरिंग हो गया वो निकाल रखा है हमने, एक तो साइलेंसर निकाल रखे हैं जैसे हमने, अच्छा लाइट भी उतार रखे हैं जैसे, या कुछ भी यार ऐसा मतलब नॉर्मल जो चीज इनमें से कुछ भी जैसे बोल देंगे। बाकी वो देख के हम नेक्स्ट वीडियो में या स्टोरी लगा लेंगे भाई इन इन चीजों में से कौन सी चीज का गिव अवे करें। तो भाई जैसे हम मतलब कुछ भी चीजें सिलेक्ट कर लेंगे, एक के बातचीत करते हैं, तो भाई वो हम डिसाइड करेंगे कि किस चीज का गिव अवे करना है नेक्स्ट। पर ये शर्त है कि गिव अवे बंद नहीं होंगे भाई, ठीक है, मतलब टाइम लगता है। और पहले असल इसमें तो टाइम इसलिए लगा भाई क्योंकि मैंने वो लाइट दो बंदों के कमेंट चूज कर लिए मैंने, एक बंदे को बाइक के लिए चाहिए और एक बंदे को ट्रैक्टर के लिए चाहिए, तो एक लाइट और चाहिए होगी फिर, तो फिर भाई इसलिए मैंने एक लाइट ऑर्डर पे लगा दी ऑनलाइन, है ना। और ऑनलाइन ऑर्डर लगा दिया, उसके लिए टाइम भी लग गया जैसे 6-7-8 दिन, और भाई और जब वो आई तो वो खराब आ गई, और फिर भाई
अब कोई चीज किसी के पास भिजवा रहे हैं, खराब तो ना भिजवा सकते भाई। तो इसलिए फिर वो अब सोनू और के साथ उस दिन गए थे तो स्पेशली वो लाइट ले आया था मैं, अब भेज देंगे, कुरियर हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगी, उसके बाद नया गिव अवे स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम देखते हैं चीजें सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे जो भी चीजें होंगी मतलब ट्रैक्टर की। भाई कोई दोस्त मिल गया था, चलो बाकी की बातें फिर हम इसको वो करवा के कोरियर करवा के फिर करते हैं, ठीक है दोस्तों, तब तक बने रहो वीडियो में। अरे गणेश भाई, संजू बाबा, आपके बस कोरियर होने जा रहे हैं जल्दी से। रास्ता बहुत टाइट है, इसका कर लगा देंगे इस गली में। भिवानी जाएगी, लेवे करियर करवाने के बाद फिर जल्दी पहुंच जाएगी। पेमेंट वो कर दूं गूगल पे तेरा, ठीक है। दो कार हैं, दो रुक जो भाई, नीचे से दिखाऊं मतलब यो इस तरह डिसबैलेंस हो गया, यो खड्डा था, देखियो भाई स्लो चलिया करो, सारे भाई अंदर रिक्वेस्ट है। देखियो भाई वो एक छोटा खड्डा है वहां, देखियो ये वो उससे डिसबैलेंस हो गया ये मेरे हिसाब से, तो बेनती है भाई सारे भाइयों का रिक्वेस्ट है स्लो चले करो, बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो रहा है, पता भी नहीं भाई क्या कुछ होया होगा और कौन था ये भी नहीं पता, तो इस करके भाई ये खड्डा देखो ये यहाँ ये ना रोड पे हो रखा है, शायद मेरे हिसाब से डिसबैलेंस हो गया है। इस तरह लग रहा है किसी ने जानबूझ के ऊपर नीचे के रखी है ना, पर नहीं भाई एक्सीडेंट होया यो, और बुरा एक्सीडेंट होया बहुत ज्यादा भयानक। की हाल है की पता फिर किधर हो भाई, वो देखो यहां से डिसबैलेंस हो रहा है, तो इसलिए भाई कंट्रोल में चला करो, ये देखो ध्यान से सारे भाई प्यार से चला करो, कुछ नहीं यार 5-10 मिनट की बात होती है, इससे ज्यादा तो फर्क पड़ता नहीं है ना, हम अगर थोड़ा भगा के लेके जाएंगे 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, और अगर स्लो जाएंगे तो 10 मिनट लेट पहुंच जाएंगे, बस इससे ज्यादा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। भाई थार में पंचर हो गया, असल पंचर गए, इसके टायर चेंज करने पड़ेंगे, तो कितने गलत टायर घिसे हुए हैं, तो भाई टायर की कन्नी चेंज करवा दिया करो आप भी, अगर सारे भाई कोई भी कार ऑन करते हो तो ना टायर आगे पीछे और साइड चेंज जरूर करवाया करो। मैंने अपने दो टायर ये देखो ख़राब कर लिए, अब सामने वाले तो दिखाता हूँ आपको, पूरे के पूरे पड़े हैं, और दिखाता हूँ देखो देखो ये तो पूरा ही टायर पड़ा देखो, है ना, मतलब घिसा ही नहीं है, घिसेगा तो कैसे चला ही सारा 8-10 किलोमीटर है ये देखो, इधर से तो पूरा है और उस साइड से देखो क्या हो गया ये वो देखो, तो ये भाई कारण हुआ है कन्नी ना चेंज करने का। तो देखो आप दिखाता हूँ, यहाँ से दिखेगा बिल्कुल, देखो देखो उस साइड देखो और ये साइड, राम कुमार किस रीजन तो होया भाई, हो लैनमेंट आउट था है ना, ये देखो ये कम है, ये तो बिल्कुल ज्यादा है, ये आगे लगे हुए थे पीछे लगवा दिए, अब चेंज ही करने पड़ेंगे, नुकसान हो गया खाम खा का, और टायर भी बहुत महंगा है ये, 30-32 हज़ार रुपये का एक टायर है,
काफी नुकसान कर लिया बिना ध्यान के। तो भाई लास्ट में एक ही बात है, मॉरल ऑफ द स्टोरी कहते होते हैं भाई, टाइम टाइम से ध्यान रखा करो, जो नुकसान मेरा हुआ है वो आपका ना हो। तो टाइम टाइम से जब कभी भी मतलब सर्विस करवाओ ना, आगे के पीछे और जैसे साइड चेंज करवाते हैं अंदर बाहर भी करवा दिया करो टायर। 150 रुपए की बात होती है, बस हम ध्यान नहीं देते, बात पैसे की नहीं, हम ध्यान नहीं देते। तो भाई मेरी तो बेनती है सारे भाइयों से कि इन चीज़ों पर खासकर ध्यान रखा करो। ये देखियो कब से टायर रखे हैं भाई, और बहुत वैल्यूएबल चीज़ है ये, इनकी ग्रिप बहुत ज़्यादा है, मतलब कितना बेगोरा, मतलब नए टायर भी रखे हैं यहीं, वो एक जोड़ी वो रखी है और एक नई जोड़ी भी रखी है यहाँ। मेरे को तो याद ही नहीं था कि हमारे वो देखो, ओ यार नई जोड़ी भी यहीं रखी है, याद नहीं थे मेरे तो, मेरे तो पुराने देख रहा था मैं एक जोड़ी वो पड़ी भाई टायर की, मगर लेकर अनजान लग रहे भाई, पता नहीं क्या है यहाँ से, ये बहुत पेन हो रही है जी, ये देखो, और ज्यादा ही हो रही है काफी बार तो ये यहाँ से, तो इसलिए अभी मूव लगा के एक बार गर्म पट्टी बांध लेता हूँ। ले भाई पट्टी बांध ली, देखते हैं आराम हुआ ठीक है नहीं, डॉक्टर को दिखा के आऊंगा।